बारिश शुरू हो गई यार, क्या दिखा हुआ गिलास तो गंदा हो रहा। चले भाई बल्ले के साफ करेगी गिलास, इनको दो लोग हो रहे थे भाई। ट्रांसफार्मर हो जाए इसमें एक बार। अबे हमारे तो रूम के बिल्कुल यही है, करंट बढ़िया दे रहा। चार दिन लूंगा फोन, एक सेकंड में कर देगा फुल। तुम्हारी दादी का ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन में से डोपामाइन रिलीज हो रहा, ज्यादा सोच लिया उसने। हां वो तो ऐसे हो रहेगी, तुम कहीं कोई चूम कहीं टिक कर सके ना। तो अब फोन गिर गया तो जाए भी नहीं, होटल वाले से भी पूछते करेंगे पीछे का कुछ है जा भाई। कुड़ी का ढेर ही है यार, इतने बढ़िया हाउस में यार। मैं कहां तुम्हारे साथ घूम रहा आया यार, कोई अच्छी सी, मतलब मैं गर्लफ्रेंड नहीं कह रहा पर अच्छी सुंदर सी लड़की होती है, चाय भी रोकते हम दोनों यही बैठ के। यार मैं घर बना लूंगा एक, यहाँ बढ़िया रहेगा, 1 BHK भी चलेगा मुझे तो। बालकनी हूँ ऐसी, मेरे बच्चों की उठ से जैसे ही आवे बाबा खाना चाय पीने दे। ये तू मार रहा उनके या वो मार रहे? मैं माहौल ऐसा रखूं दोनों तरफ से मैच्योरिटी, कभी बच्चों ने डर दिया और पापा नहीं पिताजी बुलाया करेंगे। पिता परमेश्वर, परमेश्वर भोजन की तरह बच्चे खाना बनाओ ना ला रहे, पापा मैगी बनाई मजदूर। मम्मी तो बहुत सारी लाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट, पता नहीं किस किस के बच्चे। एक मम्मी से एक ही बच्चा, मतलब लोगों से पूछ ले करूंगा कोई अवेलेबल है बच्चा देने। छोटी सोच है प्रोग्रेसिव, शायद कोई ऐसे मां की जिम्मेदारी ना उठाना चाहती हो। मैं तो एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ, उसके लिए तो डैडी पता था मुझे लेकिन अभी मैं पढ़ा लिखा बन के दिखाऊंगा। लाइट इन द एस कहते हुए जुगनू, जब रियल नाम तो यही होना चाहिए उनका। शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा, नुए पीछे टंगूंगा और पोस दूंगा। हवा चल रही थी लाइट हवा चल रही मैं भी चल रहा यूट्यूब कहा चल रहा पीछे को चल रहा फैमिली बैठी नहीं तो मारता भाई निकालता दोनों को लिख के मेरे। ओह मैन डैम सन, देख वो प्लॉट तो मैंने अपने नाम कर लिया, तू बता जहाँ तक तू जमीन देख पा रहा ना, ये तो मेरा नाम वो सब मेरा नाम है। तेरा नाम पता क्या है? तेरा नाम वो नाला है जो नीचे। क्या ब्यूटीफुल वेदर है यार होटल के जस्ट बाहर, होटल आई एम सॉरी होटल। हुक्का पीना क्या रात को? रहेंगे ना आज सारे नशे कर दो, आज यूट्यूब फैमिली को नशे करके दिखाओगे? आई यूट्यूब ट्राइंग फर्स्ट टाइम ऐसे करके हैं। हाँ भाई जैसे तू कहते हम तो मान ले, जो टाइटल कहते बस वीडियो दस में बना जा रहा है। कुछ पहन आता भाई, मुझे तो इसमें ठंड लग रही है स्वेटर। अबे वाइड एंगल कर ले, मेरा बाइसेप नहीं आ रहा होगा। यार ठंड लग रही पहने के लिए यार, मेरी ईगो पे लगे है ना सर्दियों में ज्यादा कपड़े पहनना। ठीक है चीज़ मुझे भी नहीं पता, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। कौन से? पोटैटो चिप्स। पोटैटो इतनी सिंपल चीज है, क्वाइट गुड। बढ़िया यार देख के पीछे, यहाँ के स्ट्रीट में कितनी तगड़ी वाइब है, इतनी तगड़ी की गाड़ी हटके नहीं दे रही। लेकिन है अच्छा है, यहाँ का कल्चर अलग है थोड़ा। ओवर एक्सपेंसिव शॉपिंग करके घर भी तो ले जानी हो, ये बताना होगी हम वहाँ से। लेकिन मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ग्रेफाइट स्टोन्स वगैरह। तो ये पता है जो बर्तन है इसमें पानी डाल के यूं करो ना हाँ। तो एक म्यूजिक आ गया अंदर से आवाज। आजकल इंस्टाग्राम की रील ज्यादा देखने लगा, म्यूजिक ज्यादा बोल दे मैंने पर आवाज आ गई एक अच्छी मध्यम मध्यम सी। म्यूजिक ये थोड़ा ही ए आर रहमान आ गया गा रहा उसका, यूं करते ही हो रहा भीगी भीगी। मुझे कोई गाना ही नहीं आता यार, गलत लिरिक बोल दिए ये इंडिया। मैंने पता नहीं कौन सा गाना गा दिया पिछले दो दिन, नकली बता दिए गए हमने। यहाँ पे है मोज तो ड्राई फ्रूट्स 100% प्योर, इस नंबर पे कॉल करके ले सके फ्री प्रमोशन। बॉल नट्स चाहिए तो इस पकड़ दियो कॉलर, अगर खाली नट्स चाहिए तो मुझे। ये क्या लिखा अवेलेबल मूड? मूड कौन सा वाला मूड है? जिप लाइन का टाइम क्या है? 10:30 to 5:30। और हम किस टाइम आए? 6:30 हमारे जगह लेट, तो हमारी जैसी गलती ना करें जल्दी आए। ये है भाई देख लो, ये हमारे तो किसी काम का नहीं है। तू मेरी बात नकली कह रहा था ना, अब सुनो। ओह सो पीसफुल, पर मतलब साइजेस है ना साउंड का वो। हाँ, ऐसा भी हो सके घर जाके ना बजे। तेरा डिप्रेशन ठीक कर देगा हमेशा के लिए भाई। अंकल घुमा 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 भाई, कुछ ना कुछ तो डेस्ट ना कुछ तो गड़बड़ है लगे। अंकल सीबीआई है दिखेगा यार, कौन साल हो गया? 3.5 घंटे ट्रेवल करके आए और यहाँ भी, और आज के ही दिन और एग्जैक्ट इसी स्ट्रीट पे इस टाइम। हिमाचल इतना छोटा तो नहीं है, होटल ऐसी जगह बुक करा जहाँ कोई आ नहीं सकता, पर ये यहाँ भी भाई ये तो इस सीरीज का एक अलग हिस्सा है। नहीं यार ऐसा तो मस्त है, पर अब मैं कन्फ्रंट कर दूंगा, अब तो मैं भी कर दूंगा। क्या प्रॉब्लम है? मैं रखोगे साथवा मुड़ा सामने से आते हुए तुरंत, मैं मेरी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। मैं सोच रहा था मैं कहा अंकल दिख ही नहीं सकते हैं। कॉफी एंड टॉक करते हैं एक मिनट तो देखो वो दद्दाओ बनी हुई थी, एक लुंगी वगैरह थी, बबल गम शेक ऑर्डर कर दिया यार। एक बार बता इतना अच्छा स्ट्रीट फूड है यहाँ, तू यहाँ पे क्या लेने आया? एप्पल पाई ट्राई करते हैं। ये सब मैंने सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में देखे थे।
तंदूरी जायका और ये सारे तरह के रेस्टोरेंट तो हम बहुत देख चुके हैं। अब जब यहाँ आए हैं तो आज तिब्बती खाना देखेंगे क्या है कैसा है। और कसम से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है, लोकेशन से बहुत बढ़ चुकी है एक्सपेक्टेशन। अब अच्छा मिलना चाहिए कुछ अब खाने से। बस अभी देखियो तू तिब्बती रेस्टोरेंट पे आके भी कैसे वेज खाएगा ये। तू मेन्यू उठा के मेन्यू की इंसल्ट मत किया अगर मेरे से पूछ ले अगर क्या खाना। एक प्लेट पनीर, तीन नान, वेज शेजवान नूडल्स, शेजवान नाम ही अलग है बस थोड़ा मोटा होगा बस और कुछ नहीं। मेरा सच में नूडल्स का मन है। और उसके साथ क्या पिया जाएगा? फ्रूट बियर लेनी किसी को? एक फ्रूट बियर। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होगा? कोक फैंटा है। बियर पीता हुआ पकड़ा गया आज तो। अबे बियर इतनी टेस्टी हो गई है यार। ठीक है जी 5 रुपए वाली फेंक देगा अब वापस रख देते चुपचाप भाई। तुम बताओ क्या बढ़िया है। अबे लेजेंडरी टेस्ट है भाई। ठीक है पापा यूं ही कह देगा कभी ट्राई कर सकते। एक्सक्यूज मी कोई नहीं यार एक्सक्यूज मी। कब खाया था इतना अच्छा खाना लास्ट टाइम? और ये उत्पम किसने मंगाया? कौन है ये? वेज तेरा तो बंद है भाई नेक्स्ट टाइम से, नहीं तो अपना रोटी पैक करके लाकर वहीं से ही टिफिन में आलू की सब्जी अरे पूरी अरे गरम कर करके खाओगे अपना सही। वही ठीक है तेरी ले दो पीला भाई बियर घर थोड़ी बता रहा हूँ तेरे। मंगा वैसा कुछ मेरी ना कल में यार अब स्वाद नहीं लग रही। इतना अच्छा रेस्टोरेंट है पर तेरे पीछे कोका कोला की पेटी रखी इन्होंने ऐसा कर रखा है। थाली तो अब आई है। ये नॉन वेज है क्या? यस ये तो लाइट था ये हैवी लग रहा है। उस अंकल को बुलाना पड़ेगा वो चिकन लेग पीस वाला। चिकन लेग पीस उसकी उंगलियां कैसे सनी है हर टाइम खाने में? वो ऐसे खा रहा है चिकन लूंगी करके। उसका खाना क्या है क्या? उसने तो खाते देख मुझे भूख लगा है। उसने तो पता नहीं कितने मुर्गे मरवा दिए। मेरी भूख खत्म हो जाए कैसे पर अच्छी है यार ये वाली थाली। चलो ईट करें आज तो झुट्टा पीना पड़ेगा या मैं खत्म कर दूंगा सारी। 30 रुपए दिए इसके दो मुर्गों की इतने हैं यार। कभी कभी ना मेरा मन करे मैं नॉन वेज ट्राई करूँ। वेज गाइस कमेंट करो। देख सब फेमस पर्सनालिटीज के फोटो। जॉन अब्राहम, यामी गौतम, शिल्पा शेट्टी दो बार आई सिद्धार्थ शर्मा और ये टीवी एक्टर करण है शायद इसका। ऐसे ऐसे मैप है ये मैक्लोडगंज का तो। और ये जो देखना हो तो साइन है ना ये इन सब चीजों के हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो और मुझ लो। आज यहाँ पे कितना रश है मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ पार्क है। ये पूरा पैक्ड है। ये सारे होटल्स पूरे पैक्ड हैं। यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ पार्क है। ये सारे होटल्स पैक्ड हैं। और अगर एक भी गाड़ी मुड़ रही है उसके पीछे सीधा जाम लग रहा है। सारी टैक्सी, सारी बाइक रेंट, सब कुछ बुक है एक तरफा। जब मैं हमने होटल बुक करा ना तो जब मैं चेक इन कर रहा था तो कम से कम 15 लोग आए। 15 लोग सोच उसमें सब कहा कि नहीं सब बुक है होटल एकदम टाइट पैक। और यही नहीं ऋषिकेश में भी लोग, मेरे दोस्त हैं ऋषिकेश में बता रहे थे कि ऋषिकेश में भी लोग बैग उठाए घूम रहे हैं घरों के बाहर। पता नहीं कहीं वीकेंड है कि लॉन्ग वीकेंड था। छुट्टियां थी पूरे हफ्ते में। क्या हुआ? कैमरा बंद कर दो भाई। ऐसे जाऊँगे सुबह ट्रैक पे? पजामा तो यही रखूँगा यार ट्रैक पे, बस ये पहन। गजब नहीं है? सुपर। मेरी तो बात कर रहा तू? इसमें आ नहीं पा रहा कैमरा। आ पा रहा हल्का सा आ रहा पर देख जो आईज दिख रही ना बस जो आईज देख पा रही पहाड़ी देख पा रही आईज आई जी पत्ते देख पा रही जो काले दिख रहे हैं। कोई नहीं तो मैं दिखूंगा भाई दिखाऊंगा कि कैसा व्यू आता मर गिरे। डैम अभी किसी रैंडम लड़की की तरफ पॉइंट कर दिया था मैंने अंधेरे में कैमरा। अभी चांटे बजते ये मार्केट मिस कर दिया था हमने। ये भी अच्छा मार्केट है। और यहाँ से मैं रेबैन के ओरिजिनल सनग्लासेस लेने वाला हूँ। गेस करो उनके प्राइस। लेकिन बढ़िया चीज है साला कहीं भूल जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास तो इनबिल्ट सनग्लासेस हैं। मेरे इनबिल्ट नहीं थे तभी तो ये लगाने पड़े। हमने टाइम से नहीं गए। सनग्लासेस पतले वाला फ्रेम चाहिए मुझे। देख मुझे तो मिल गया मेरा फ्रेम। एक वो जो बीच में सबसे नीचे है ना मुझे वो अच्छा लग रहा। ये तो बहुत कॉमन हो चुका ये है। हम तो इतने मिडिल क्लास हैं भाई। अभी खरीदा अभी लगा के घूम रहे रात में भले ही कुछ दिखे ना। 150 गए पूरे। किसी को बताइयो मैं 15,000 का बताऊंगा सबको। इसे देखो तुम एक बार। रुको इसे देखो तुम। ये क्या लड़कियों के प्राइवेट कपड़े खरीद रहा है यहाँ चुपचाप। चल भाई आइसक्रीम खा ले। कल से आइसक्रीम में आइसक्रीम पेल लक्की पापा ने खास कर फोन पे कहा था बेटे आइसक्रीम ना खाइए। पापा यहीं आ जाएंगे गाड़ी के दो टायर पे। यूं आओगे यूं करते स्लाइड रहते। लगवा लो जल्दी मेरा तो ब्लैक करंट लगवा दो एक। ये बेचनी क्या? जो मेरे मन में हो वो चूज करे भाई। दुकानदार बेचने को तैयार नहीं। तो वो रेंज का आ गया भाई। रात के 10 बज रहे हैं और इस स्ट्रीट का ये हाल है। अभी रात के 10 बजे इतना क्राउड है। ठेके पे तो तुम्हें पता ही है ऑलवेज ऑन सब कुछ बंद हो जाएगा बट दारू नहीं। आज मैं उतना थक गया जितना मैं थक सकता था। लेकिन फिर भी इंसान कितना थक सकता था। गालिब के मालिक के पोते खैर हमारा होटल इसी स्ट्रीट पे है तो हमें और ज्यादा नहीं चलना। थक चुके भाई अब ओ, मैं बैठ। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। हां देखिए देखिए अभी नहीं थका भाई। नहीं
नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करो, परचेज मत करो। बताऊंगा ना मैं क्या कुछ नहीं, अप्रिशिएट अपनी आंखों में कर लिया ना, फोटो खींच ली क्या तुमने? नहीं यार, फिर मिलेंगे, कभी मिलेंगे तो अंकल वो पक्का। अंकल भी तो भाई मुझे लग रहा है अभी वो नोएडा भी ना मिले जाते। कल मेरा लास्ट ट्राई है, अगर अंकल वहाँ भी मिल गए ना एक जगह, मुझे कल जाना तो मैं अंकल को लेके चला जाऊँ, बैग में रख के बुलेट पे बैठ लूँ मैं अंकल की। एक बंदा उनके साथ ही हो ना, अंकल के साथ ही मेरा दुख गया इस टाइम। ट्राई बोर्ड बनते बनते आ गया क्या हमारा होटल? बताओ लो, होटल आ गया, टाइटल वो डाल दिए, होटल नहीं मिल रहा, मैं यूँ बैठ जा रहा। हमारे तो होटल का नाम भी अजीब है, एम होटल मंगलूरी पोर्स मकेन जा रही। मुझे बड़ी जलन हो पोर्स देख, मेरी पोर्स देख के हम कब लेंगे यार पोर्स? कभी भी नहीं, इतना पैसा तो मैं प्लॉट में लगाऊंगा। नहीं प्लॉट है चल तेरे पास, फिर भी प्लॉट ही लूंगा। दो प्लॉट हो गए अब बता, फिर भी प्लॉट ही लूंगा, पोर्स में नहीं लगाऊंगा। पर I-20 लेके घूमूंगा, प्लॉटों में घुमा रहे के I-20 बता अंदाजुन। अब पोर्स ले ली, प्लॉट है नहीं, कहाँ खड़ी करेगा? पहले तो प्लॉट है, इतने प्लॉट जब आप ऊपर से यूं कहते हैं बस करो, उनको प्रॉपर्टी संभल नहीं रही, जब छोड़ दूंगा प्लॉट लेने। और उन प्लॉट में ट्विस्ट भी होगा, उनमें तो दुकान खोल दूंगा, किराया होगा मोटा, अरे उसकी खरीद दूंगा फिर पोर्स देख। अरे जहाँ दुकान लगनी बंद होगी किराए पे, पहले तो उन पे लिख दूंगा किराए तू खाली है संपर्क करे, और जब भी ना लेगी तो पोर्स बेच दूंगा। अरे मोहल्ले में तू तू बिग्गी चोद दूंगी। जब तो धरती में पानी टेक रहे थे भाई। तुझे ना हेल्थ लेजर का वो मिल जाएगा, हेल्थ लेजर के मेकअप आर्टिस्ट करो। इधर हेल्थ लेजर कौन है? लेजर भाई आज तो मैं जान के बोलना, हीथ लेजर कौन है तुझे नहीं पता? कहीं किसी के लेजर सामान ले गया वो? वो है जिसने पहला वॉकमैन बनाया था। वॉकमैन? हाँ, फिर सोनी ने पेटेंट करा लिया था, मतलब ये कहा जाए कि सोनी ने उसका क्रेडिट चुरा लिया था। अब तक कंट्रोवर्सी है उस चीज पे। और सोनी का नाम पता, सोनी कैसे पड़ा? मतलब जिंदा हीथ लेजर। सुन तो सोनी का नाम पता, सोनी कैसे पड़ा? अनूप सोनिया था जो उसपे, वो सोवे नहीं थी वैसे। नहीं वो वाली स्टोरी सच है, हीथ लेजर वाली। तो वो अभी तक केस चल रहा, मतलब वो जिंदा है क्या हीथ लेजर अभी तक? हाँ जिंदा है वो भी। ये तो डेड हो गया, वो दूसरा आने लग रहा, वो भी हाफ डेड है, तो वो भी सो जाते हैं। गुड नाइट क्यूटीज। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स अ न्यू डे इन मैक्लियोडगंज धर्मशाला। आज हम लोग पहले जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे, मैं उसका नाम बता दूंगा क्या है, मैंने कल बोर्ड पे पढ़ा था पर याद नहीं रहा। यहाँ पे ट्रिन ट्रैक या ट्रिन ट्रैक कुछ ऐसा बोलते हैं, वो ट्रैक 10 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसका मजा तब है जब आप कैंपिंग वगैरह करो वहाँ पे जाके। बुक हमने किया नहीं, कैंप हम लाए नहीं, और 10 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तो कल हम घर पे निकल नहीं पाएंगे। फिर मुझे गाड़ी की डिलीवरी भी लेनी है, मुझे घर पे काम भी है, और मुझे एक नई वीडियो भी शूट करनी है मेन चैनल के लिए। और ऑलरेडी हमें 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन तो हो ही गए शायद, हाँ 4 रात हो चुकी है, तो अब तो घर जाना बनता है। तो वो वाला ट्रैक तो मुझे मिल रहा है, वाटरफॉल जाएंगे उसके बाद धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हिमाचल को, बोल देंगे बाय बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम।